नागपुर शहर पुलिस, सकदरा पुलिस एवं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन बड़ा ताज बाग के सभागृह में आयोजित किया गया था। इस मौके पर नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और अलग अलग थानों के पुलिस अधिकारी और सभी मुस्लिम भाई बहन खास तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की एवं सभी को अमन शांति भाईचारा बनाए रखने को कहा और गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों पर काम करने वालों को आड़े हाथों लिया। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी नागपुर के बड़ा ताज बाग से इफ्तार पार्टी की ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। शहर पुलिस और हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन हजरत बाबा ताजुद्दीन के दरबार में किया गया। अध्यक्षता हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने की। प्रमुखता से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त नुरुल हसन, सह पुलिस आयुक्त बिरादर उपस्थित थे। ट्रस्ट की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। खुद्दाम दरगाह ट्रस्ट और बाबा ताजुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद जरवी ताजी और सैयद तालिब ताजी ने स्वागत किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने बताया कि ताजबाग परिसर में विगत 40 साल से चल रही गुंडागर्दी का पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की कोशिशों से अंत हुआ। इससे आज यहां के रहवासी और श्रद्धालु बिना किसी भय के अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने 14 अगस्त 2021 को शांति समिति की मीटिंग में वादा किया था कि हम ताजबाग परिसर से असामाजिक तत्व और गुंडागर्दी का खात्मा करेंगे। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। आज यह कार्यक्रम मंच पर उपस्थित माजी मंत्री माननीय श्री एनी सेवन साहब या मंच पर उपस्थित आदरणीय मुफ्ती साहब, ताज बाबा दरगाह ट्रस्ट के चेयरमैन श्री प्यारे खान जी, सचिव साहब, आपसे सरकारी श्री हरीश जीपी श्री रेड्डी साहब, या एरियाचे कर्तव्य दक्ष डीसीपी श्री नुरुल हसन, या परिसराचे सकलदरा पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी आमचे एसीपी साहेब आणि सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि विशेष करून या कार्यक्रमात उपस्थित या भागाचे सर्व बंधू भगिनी, जिस एरिया के जो ये ताज बाबा दरगाह ट्रस्ट के जो उस समय नए बॉडी और नए अध्यक्ष श्री प्यारे खान जी ने कार्यभार संभाला था, उन्होंने पूरे अच्छे लोगों को एक साथ लेकर के जो सफाई अभियान शुरू किया और पुलिस विभाग को जो उसमें मदद हुई और आपके सभी के सहकार्य से पुलिस विभाग ने यहाँ पे अपना काम कर सका। और डेफिनेटली मैं उस समय ही बताया था कि जो भी कोई हो, जो अवैध धंधे करता है, गुंडागर्दी करता है, बिना गैर तरीके से जमीनों का कारोबार करता है, अलग अलग प्रकार की उनकी तकरारें आती थी महिलाओं से, छेड़खानी, महिलाओं के साथ गैर बर्ताव, गांजा, एंटी ड्रग्स, मारामारी, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन, खंडवी, इस प्रकार के कुछ खराब ही कुछ लोग थे जिसके बारे में तकरार आती थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके सभी पे बहुत ही कड़क कायदे के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गैर तरीके से बिना कागज पत्र, बिना किसी अधिकार के लोगों को बेचा गया है, लोगों से पैसा लिया गया है और इस प्रकार की जमीन पे कुछ अतिक्रमण हुए हैं। प्यारे खान के जो कायदा नियम के अनुसार आप जो भी मुहिम यहाँ पे लेना चाहते हैं, पुलिस विभाग आपके साथ है। शायद जरूर इस एरिया को आप और सुधारें, हम जरूर, और विशेष करके जो अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, पुलिस विभाग के साथ हैं, नई बॉडी के साथ हैं, उनको सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे सुधार होना बहुत जरूरी है। जो कोई गैर कायदेशीर कृत्य में था, उनके आपके माध्यम से यहाँ पे कुछ उनके अगर संदेश देना चाहते तो मैं आपके माध्यम से उनको भी संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि जो कुछ पहले गलती हुई है वो सुधरने की मानसिकता बनाए। हमें उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर वो सुधर के मेन स्ट्रीम में आने की तैयारी दिखाते हैं तो पुलिस विभाग जरूर उनको सहकार्य करेगा, ताकि सभी लोग मिलकर इस एरिया को, परिसर को और शांत बना सके। फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। पुलिस उपायुक्त नुरुल हसन ने आभार माना। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे जिया खान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जिचकर, सचिव ताज अहमद राजा, वर्किंग चेयरमैन हाजी फारूक बाबला, बुर्जिन रडेलिया, ट्रस्टी इमरान खान ताजी, शहजादे नशीन, जरवीर बाबा, तालिब बाबा, खुद्दाम कमेटी अध्यक्ष मोबिन ताजी, अनीस अहमद, सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर, पुंडलिक भटकर,
सकरदरा विभाग सकरदरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल सकरदरा के पुलिस निरीक्षक गार्ड के पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों और ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों को सहयोग रहा। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनसे बातचीत की है, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी है जो की आज बड़ा ताजबाग सभागृह में इफ्तार पार्टी के लिए आए, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताए की जिस तरह से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे ताज बाबा ट्रस्ट के श्री प्यारे खान और उनकी टीम और पुलिस स्टेशन सकरदरा और जोनल एरिया पे ये आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, मैंने सभी को रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभेच्छा भी दिया है। और इस एरिया में जो पहले कुछ गुनहगारी हालचली थी और उस पर पुलिस ने कड़क कार्रवाई की है, उसका जो उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई है और लोगों ने यहाँ जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके बारे में समाधान व्यक्त किया है। सर इस परिसर में जो अस्वच्छता का माहौल था, तो आप आने से स्वच्छता तो हो चुकी है, मगर आने वाले 3 तारीख को जिस प्रकार से मस्जिद की भूमि को लेकर राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किस प्रकार की शांति बरतना चाहिए? नागपुर शहर के लोग, सभी समाज धर्म के लोग बहुत शांत प्रिय हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा। और अगर कुछ समाज कंटक, कुछ चुनिंदे समाज कंटक अगर कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे तो पुलिस विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से सुसज्ज है। तो आप तो अमितेश कुमार जिन्होंने बखूबी व्यापक के साथ बात करते हुए यह बताया कि अगर कोई खलल पैदा करना चाहता है या किस प्रकार की कुछ भी बातें करना चाहता है, उसे लोग कतई तवज्जो नहीं देंगे। जो लोग कानून हाथ में लेंगे उनके लिए डंडा होगा, जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनको पूरी तरह से शासन होगा, ऐसी कुछ बात आज बड़ा ताज में आयोजित इफ्तार पार्टी में जिन्होंने शिरकत की, ऐसे नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी ने कहा है। बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।